नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रिव्यू गुरु, और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नए प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक बार फिर से मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर एक रेड बटन है जिसपे सब्सक्राइब लिखा है, उसको प्रेस कीजिए। उसके साथ में बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी नए रिव्यूज वीडियोज में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिल जाए, सबसे पहले उस वीडियो को आप देख पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का रिव्यू। आज इस प्रोडक्ट का मैं आपके सामने रिव्यू देने जा रहा हूँ, उसका नाम है दोस्तों द मैन्स लैब का बियर्ड वॉश। ये मैं एक्चुअली यूज कर चुका हूँ 3-4 बार, तो मैं आपको एक फ्रेश बॉटल का इसका रिव्यू दूंगा। ये मैंने अमेजोन से मंगाया था दोस्तों। इसका लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो पैकिंग है वो इसमें आई है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पैकिंग ये आपको तब मिलेगी जब आप कॉम्बो इसका मंगवाएंगे, बियर्ड वॉश, बियर्ड ऑयल और बियर्ड प्रोटीन इसका जब आप मंगाएंगे तब ऐसी पैकिंग आपको मिलेगी। आज मैं रिव्यू जो करूंगा वो है बियर्ड वॉश का। दोस्तों, बियर्ड वॉश की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपके बियर्ड अच्छी खासी रखते हैं अपने फेस पर तो आपको इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा लोग ये पूछते हैं, भाई तू इतनी ऐसे बियर्ड कैसे रख सकता है यार, मतलब बहुत मुश्किल होता है बियर्ड रखना। जो बियर्ड रखते हैं उन्हें कोई पता होगा, बहुत इचिंग होती है, यहाँ पे डेंड्रफ टाइप जमा हो जाता है बहुत ज़्यादा, मुझे भी वो प्रॉब्लम होती है। तो उसको दूर करने के लिए दोस्तों बियर्ड वॉश का इस्तेमाल किया जाता है, और जो पॉल्यूशन और जितनी भी गंदगी वगैरह वो जम जाती है तो उसको भी क्लियर करने के लिए हम उसमें शैम्पू का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। वो लोग बेवकूफ़ होंगे जो शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं इस पर। आप प्रोडक्ट बनाया गया है बियर्ड वॉश इस सब के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। पैकिंग देखिए, सबसे पहले इसकी अच्छी पैकिंग है और इसमें इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बताए गए हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका जो मार्केट प्राइस है दोस्तों वो 399 है। अमेजोन पर ऑफर में आप इसको परचेज कर सकते हैं, इनकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी है दोस्तों वो 100 ml है। इसे ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इस तरह की पैकिंग में आपको मिलेगा। अंदर आप देख रहे हैं लिक्विड है, लेकिन जब आप इसको शेक करके अच्छे से तब निकालेंगे तो इसका जो फोम बेस है वो आपको मिलेगा। एंड जब आप मतलब फोम बेस मिलता है तो आप इजीली उसको अप्लाई अपनी बियर्ड पर कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगा यूज़ करके इसको कैसे इसको लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके इंग्रेडिएंट्स पे अगर मैं नज़र डालूँ तो इसमें नॉर्मली जो इंग्रेडिएंट्स डले होते हैं बियर्ड वॉश में, वैसे ही इसमें भी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, सॉरी टू से। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें जो फ्रेग्रेंस है दोस्तों, जब मैंने इसको अप्लाई किया तो मुझे समझ नहीं आया कि कैसी इसकी फ्रेग्रेंस है। फिर मैंने जब इसको ध्यान से जब लगाते बहुत ध्यान से इसको सुना, तो जो कोकोनट की बर्फी होती है ना, आप लोगों ने अगर खाई है तो वैसी इसमें जो खुशबू है वो आ रही थी, कोकोनट से रिलेटेड ही इसकी फ्रेग्रेंस मुझे लगी। एंड ऐसा नहीं है कि बुरी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो मुझे लगी। एंड अब मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको अप्लाई करना है। दोस्तों, मैं अपनी बियर्ड जो पहले उसको गीला कर लेता हूँ ताकि इसको मैं अप्लाई कर सकूँ। कि आप देख सकते हैं वेट हो गई है मेरी बियर्ड। अब इस पे मैं ये फॉर्म अप्लाई करता हूं। पहले इसको अच्छे शेक किया, देन ये देखिए इतना काफी रहेगा। ये फॉर्म बेस में आपको मिलता है, जैसे शेविंग की फॉर्म आपको मिलती है शेविंग करने के लिए, वैसे ही सेम इसमें आपको मिलेगी। आप इसको अपने हाथों पर अच्छे से लेकर
कोकोनट की बहुत अच्छी जो खुशबू है वो आ रही है। जिनको कोकोनट नहीं पसंद है तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। ओनली बियर्ड पर इसको इस्तेमाल कीजिए। काफी लोगों ने पूछा है कि इसको बालों पर भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लीज, इसको सिर्फ बियर्ड के लिए ही बनाया गया है, तो इसको बियर्ड के लिए ही इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से आप इसकी अच्छे से डीपली आप मसाज कर सकते हैं। यहाँ बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो जाती है तो दिक्कत आती है, बहुत डेंड्रफ टाइप जमा हो जाता है और इचिंग की प्रॉब्लम फिर आती है। तो बियर्ड जिसकी बड़ी हो यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से इसको अप्लाई करना है। अब मैं इसको वॉश करके आपके सामने फिर से आता हूँ, वेट कीजिएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं वॉश कर लिया है मैंने, और अब मैं इसको पोंछ लेता हूँ। देख सकते हैं इसे, काफी सॉफ्ट हो गई है। और यहां से जो मेरे डैंड्रफ था वो भी, अब गंदगी जो थी वो नहीं रही। इसके बाद चाहे तो आप बियर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या तो किसी भी मतलब बियर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ऐसे छोड़ेंगे तो ड्राई हो जाएगी आपकी जो अंदर की स्किन है, उसको ड्राई से बचाने के लिए आप बियर्ड ऑयल का इस्तेमाल, मैं सलाह दूंगा बियर्ड ऑयल, अच्छा बियर्ड ऑयल का इस्तेमाल आप कीजिए। तो दोस्तों, ये तो था मेरा आज का द मैन स्लैब का बियर्ड वॉश का रिव्यू। अगर आपका रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएं। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। एंड खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने घर के आसपास सफाई रखिए। हाँ, अगर आपको ये परचेज करना है तो डिस्काउंट में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। अंत में दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने घर के आसपास सफाई रखिए। मैं तरुण, एक नया वीडियो, एक नया प्रोडक्ट लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।